क्या मुसीबत है हमजा? तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या मुसीबत है? लगता है अभी तक तुम्हारी नाक में नशा चिपका हुआ है। तुम्हारी ही दीवी सौगात है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि नशा करो। अच्छा तो आप मुझ में बहुत कीड़े नजर आ रहे हैं। लगता है घर से थोड़ी बहुत इज्जत मिल गई है। वो बेइज्जत इंसान नहीं है। इज्जत देना और लेना दोनों जानते हैं, इसलिए बात बात पे दो टकेगा करता है। जब इंसान की गलती हो ना तो उस पर दो टकेगा करना बनता है। चलो तुमने ये तो माना कि मेरे इश्क में तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं। चॉइस गलत है मेरी। अच्छा तो अब मैं गलत हो गया। मैं गलत हूं। जो शख्स तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने पे तैयार हो जाए वो गलत है। ये देखो यहां पे मैं तुम्हारी वजह से आया हूं क्योंकि मैंने तुम्हें अपनाने का फैसला किया। तुम कह रही हो कि मैं गलत हूं तो क्या इस बात का गुस्सा तुम मेरे ऊपर उतार रहे हो? मैं गुस्सा नहीं उतार रहा हूं दिलनशी, गुस्सा नहीं उतार रहा हूं। मैं तड़प रहा हूं, तुम्हें हासिल करने के लिए तड़प रहा हूं। कभी तुमने सोचा है? सोचा कि मुझ पे क्या बीतती होगी जब तुम उसके साथ होती हो? हमजा प्लीज, मजबूरी है मेरी। छोड़ो, ये बताओ कि डाइवोर्स की बात की, क्या कहा उसने? क्या कहता है, कब देगा? थोड़ा टाइम मांगा है। क्यों? मैं जो करना है तुम कर लेना, बस एक तो मां की रहते तो मुझे। बीवी होने के नाते ना सही, एक इंसान होने के नाते तो ये कर सकती हूं। दिलनशीन मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्यों वक्त मांगा है उसने? मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका इरादा बदल गया है। वो तुम्हें अपने साथ बांध के रखना चाहता है। क्यों वक्त मांगा है उसने? तुमने पूछा उससे? पूछा तुमने उससे? हमजा मुझे नहीं पता और ना ही मैंने पूछा है। तुम क्या कर रही हो तनुषी? तुम मुझे धोखा दे रही हो। वैसे भी मैंने सुना कि आज तुमने अपने हाथ से उसे दवाई पिलाई थी। वो अच्छा, इसका मतलब महमल फिर से एक्टिव हो गई? नहीं, इसका मतलब है मैंने ठीक सुना है। दिलनशीन एक बात याद रखना कि अगर इस बार तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं वाकई अपनी जान ले लूंगा। एक बात याद रखना कि अगर इस बार तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं वाकई अपनी जान ले लूंगा।